हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। कैसे आप सभी, आज का कैसा गया ट्रेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक न्यू स्ट्रेटजी जो कि निफ्टी फ्यूचर बेस्ड है। पिछले प्रीवियस डे में जो स्ट्रेटजी बताई गई थी, होप्स हो कि आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा। कैसी लगी स्ट्रेटजी, आप उसके बारे में भी बताएं। आज की स्ट्रेटजी में हम देखेंगे कि निफ्टी फ्यूचर में अलग तरीके से फील्ड ब्रेकआउट को कैसे हम फाइंड करेंगे। हमारा आज का जो स्ट्रेटजी है वो है फील्ड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी निफ्टी फ्यूचर पे। तो हम वहां पे जो मेन चीज देखेंगे वो देखेंगे कि हमारा पोजीशन कहाँ होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, राइट। वो सारी चीजों पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि न्यू वीडियोस जो भी अपलोड किए जाए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी, ये वीडियो या हमारी मेहनत पसंद है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करें। फ्रेंड्स, आ जाते हैं स्क्रीन पे हम कि कैसे हम वर्क करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आप पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी बोला कि किन बातों का इसमें ध्यान रखना है, वो चीज आपको ध्यान में रख के ही चलना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट से आप मिस कर दो और बाद में ऐसा होवे कि इस चैनल ने ऐसा सिखाया, उस चैनल ने ऐसा सिखाया। सो एक रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि आप चीजों को सीखना है तो पूरा सीखिएगा, ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि एक पॉइंट लॉस का कारण हो सकता है भाई, आपके नुकसान का कारण बन सकता है। इसके लिए कहीं भी कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है ना। तो वो चीजें मैं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ दिक्कतें आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके मेरे द्वारा आपको रिप्लाई कर दी जाएगी। चलिए दोस्त, बिना समय गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको देखना होगा, यहाँ पे मैं इसको साइड कर देता हूँ, सेकेंड, यस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम वर्क कैसे करेंगे, तो जैसे आपने प्रीवियस डे में देखा था कि कैसे आज वर्क था, वैसे आज मार्केट थोड़ा सा मोटा मोटी साइडवे था, लेकिन इस दौरान भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट किया वो आपको पता ही होगा कि किया कैसे होगा, जाहिर सी बात है एक एक पॉइंट को वो ध्यान में देके चले होंगे, राइट। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको करना कैसे है। सिंपली टाइम फ्रेम, क्योंकि आपको पता है कि ये इंट्राडे इक्विटी का है तो 5 मिनट्स का हम रखेंगे। कारण सिर्फ एक ये होगा कि अगर ये क्रूड ऑयल का होता तो हम 10 मिनट्स या 15 मिनट्स रख सकते थे, क्योंकि इसका टाइम जो मार्केट टाइमिंग होती है वो कम होती है, जो और होती है पीच के दौरान वो कम होता है उसके अगेंस्ट, मतलब इसके क्रूड ऑयल के कमोडिटी के अकॉर्डिंग, राइट, उसके अनुसार जो है इसमें कम होता है टाइमिंग। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 5 मिनट रखा है, इसमें कोई बताने की चीजें नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या है, सिंपली आप ओरिजेंटल लाइन ले लो, चीजें तो आपको पता ही होगा, प्रीवियस में भी आपने देखा था, लेकिन आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि हाँ प्रीवियस में बताया तो इसमें भी सेम होगा, बिल्कुल थोड़ा सा सिमिलरिटीज होगी, किन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले हम स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि इक्विटी में इंट्राडे में हम 935 टू 940 का जो कैंडल है उसको हम ध्यान में रखेंगे, राइट। तो 5 मिनट्स में हम इस चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने मार्क किया, मैं इसके लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे आपको एक अच्छे तरीके समझा पाऊं। सबसे पहले हमने मार्क किया ये लेवल को, राइट। दूसरा हमने मार्क किया सबसे ज्यादा, देखिए 940 की जो कैंडल है, आप नीचे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 940 की कैंडल जो है वो ये कैंडल है, राइट, 945, ये 940 की रेड कैंडल, राइट। सो हम यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो 940 और 915 और 940 के बीच में आप देखो तो जो उस दौरान जो सबसे लो, मतलब प्राइस जो है जो सबसे कम है वो है, ध्यान रखिएगा, 915 से 940 की बीच की बात कर रहा हूँ केवल मैं, बाकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, वो है 10,881 का, और जो हाई है वो है 10,949.57 का, राइट। सो हमें इस चीज को ध्यान में रखना। दूसरे एक सिनेरियो में बताऊं, जो रिजेक्शन है उस चीज को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, राइट, ये चीज, ठीक है, ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। बात करें फ्रेंड्स एक पोजिशन की, तो हमारी जो पोजिशन अगर बनती है तो हम किन बातों का इसमें हम ध्यान रख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी के तौर पे आप सबसे पहले वीवेप लगाइएगा, यहां पे हमें वीवेप जो है
यहाँ पे एंटर करना है, राइट, विवेप करना है। ध्यान रखिएगा यहां से हमारा लोअर लो फॉर्मेशन जो बन रहा है वो इस एंगल पे बन रहा है, इस एंगल पे, राइट। लेकिन इनमें भी हम एक बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, वो मैं बताता हूं अभी, लेकिन पहले आप इसे समझिएगा। एक लोअर लो फॉर्मेशन के थ्रू आप जो है यहां से रिजेक्शन करके मार्केट नीचे आ रहा है, एक लोअर लो फॉर्मेशन के थ्रू हमें एंट्री करना है। लेकिन इसमें क्या है कि सियोरिटी के तौर पे क्या करना चाहिए था वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, लोअर लो फॉर्मेशन अगर करें तो एक लोअर लो फॉर्मेशन आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहां से भले ही रिजेक्शन हुआ है, राइट, भले ही रिजेक्शन हुआ है लेकिन ये एक लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, हो सकता है। हाँ, श्योरिटी के तौर पे आप क्या करेंगे कि वीवेप के नीचे कैंडल को कोशिश कीजिएगा रखने का, राइट, एक रिजेक्शन के बाद, कब, 940 के बाद, राइट। यहाँ पे देखिएगा, हायर एक पोजिशन नहीं मिला, एक लोअर लो फॉर्मेशन। दूसरी चीज, आप जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस भी चेक कर पाएंगे पीछे जाके, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं पीछे जाके, इस लेवल पे रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। मैंने केवल आज के डेट पे लाइन को मार्क किया और पीछे रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा। आप पीछे जाके देखिए, बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, पीछे बहुत सारे मिलेंगे, तो वो चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारी अगर एंट्री की जाए तो फ्रेंड्स, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट, प्रॉपर वे में ब्रेक नहीं कर रहा है। डेफिनेटली अगर इस एंगल को यहां से अगर ब्रेक करें डाउन ट्रेंड के लिए और वीवेप के नीचे आ जाए कैंडल, तो डेफिनेटली लोअर लो फॉर्मेशन के साथ हम एंट्री कर लेंगे। तो एक लोअर लो फॉर्मेशन के साथ हमारी एंट्री यहाँ पे जो है होनी चाहिए थी, इस पोजीशन पे, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है एकदम मार्केट आया और तुरंत ऊपर चला जाता है, वो चीज सिनेरियो नहीं होगा। हाँ, एक कोशिश ये कीजिएगा आप मूविंग एवरेज यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी। मूविंग एवरेज यूज कर लीजिएगा 10 एक्सपोनेंशियल, जिससे आपको श्योरिटी मिल जाएगी। श्योरिटी क्या मिलेगी मैं आपको दिखा रहा हूं, वो जब भी आपको ट्रेंड देता है वो एक अच्छा ट्रेंड आपको देने की कोशिश करता है। देखिएगा, तो क्रॉस ओवर जो कर रहा है कैंडल हमारा, जो 10 एक्सपोनेंशियल जो क्रॉस कर रहा है वो इस एंगल पे कर रहा है, डेफिनेटली हमारा इस एंगल पे जो है लोअर लो फॉर्मेशन पे एंट्री हो जाएगी। और एक टारगेट 922-23 पे आप ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा सेफ ना, चूंकि मार्केट साइड वे है, वीवेप जो है ना, ये जो वीवेप जो स्ट्रेट दिखा रहा है वो साइड वे का कन्फर्मेशन दे रहा है, डेट्स वाई हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। देखिए, वीवेप को भी अगर आपको पढ़ना आ जाए, थोड़ा सा आप उसके बारे में जानकारी कर ले कि कैसे क्या मूवमेंट कर रहा है, कैसे किधर का घूम रहा है, क्या मूवमेंट कर रहा है, अगर आप वो चीज भी पकड़ लें तो उससे भी प्रॉफिट होता है, वो एक अलग सिनेरियो है अब। लेकिन जब अगर आप फोकस करें उस पर, नोटिस करेंगे तो चीजें समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एकदम साइड वे, लेकिन यहां से देखिएगा टर्न हुआ है, ठीक। तो यहां से जैसे क्रॉस ओवर हुआ, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी 923, मतलब जो लाइन प्रीवियस जो क्लोजिंग हुआ है उसके नीचे थोड़ा सा 5-10 पैसे, और एक टारगेट मतलब 923 से आप देखो एक टारगेट अगर बात करो तो 881, ठीक है, मार्केट इससे भी नीचे गया है। तो आप जब भी ऐसा करेंगे तो जो आप रखते हैं, जैसे कि 10,000 का शेयर, तो इसमें कितने का जो भी प्रॉफिट आप रखते हैं, राइट, मार्केट साइड वे है। जैसे देखिए यहां से मार्केट केवल इतनी देर के लिए आई है, बाकी देर मार्केट साइड वे, ऊपर भी मार्केट मोस्टली साइड वे चला, राइट। सो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें अपना टारगेट जो है स्टॉप लॉस को सबसे पहले ट्रेल करके चलेंगे, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है, जैसे इसने प्रॉपर वे में डाउन साइड को ब्रेक किया, राइट, हमने यहाँ पे क्या किया, पोजीशन लिया एक मूविंग एवरेज के साथ, और यहाँ पे हमारे टारगेट मिल गया मोटा मोटी मान के अगर चला जाए, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मान के चला जाए यहाँ पे फ्रेंड्स, तो 923 से अगर आपको 880 का टारगेट है तो सोच लीजिए 880-20 लगभग 40-43 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे गेन होगा, राइट। प्रीवियस डे में हम चेक करने की कोशिश करते हैं प्रीवियस डे में क्या हिसाब किताब था। आइए यहाँ पे चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या हिसाब था। तो देखिए 940 की कैंडल कौन सी है, तो 940 की कैंडल ये है, तो डेफिनेटली हमारी वो बीच की कैंडल हो जाएगी। तो ये एक लेवल, हमने दो लेवल यहाँ पे मार्क कर लिए, राइट। 940 की कैंडल कौन सी थी, ये थी, ठीक है, तो इसका हाई ये हो जाएगा, राइट। तो हमने इन दो लेवलों को मार्क कर लिया जहां से मार्केट रिजेक्शन बन रहा था, ठीक है। हमें जो बाई करना है ये इस पोजीशन पे करना है, तो हमारा एक हायर हाई पोजीशन बनना चाहिए फ्रेंड्स। तो हायर हाई पोजीशन हमें यहाँ पे, चूंकि मार्केट रिजेक्शन के साथ दे रहा है और मूविंग एवरेज जो 10 एक्सपोनेंशियल है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, कारण सिर्फ क्या है कि कैंडल नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब लेवल के नीचे से कैंडल ड्रॉ होकर ऊपर को आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले रेड बनाने की कोशिश की और मूविंग एवरेज ने उसको सपोर्ट के तौर पे काम किया वहां पे, और इसको कैंडल को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। अगर सपोज डेट अगर आप यहाँ पे नहीं ले रहे, राइट, तो देखिए यहाँ पे आप सेफ तरीके से प्ले कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको,
प्रैक्टिस करेंगे चीजों को समझ पाएंगे आप, राइट। प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा, चाहे जैसे भी कीजिए, विदाउट प्रैक्टिस कोई कुछ भी बता दे कुछ नहीं समझ आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे 10,860 पे अगर आप एंट्री करते हो, सपोज डेट, राइट, 10,860 से एक हाई जो बना है 10,898 का बना है, राइट। यहाँ पे देखिएगा, एक अगर यहाँ पे लेते हैं 10,876 पे 10,898, तो मोटा मोटी 20 पॉइंट्स का यहाँ पे हुआ। लेकिन आप अगर नहीं कर पाते यहाँ पे डर के कारण, यहाँ पे कीजिए, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के जो आपका जो कैंडल है उसके लो में जो अभी है, जैसे यहाँ पे है, तो इसके नीचे एकदम टच करके नहीं रखेंगे वीक से, हम उससे 50 पैसे 1 रुपए थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे सिक्योरिटी के तौर पे, मतलब हमें थोड़ा सा रिस्क फ्री होके काम करें, राइट। तो यहाँ पे समझ में आया आपको, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको एकदम आराम से जो है यहाँ पे आप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी, बट हम अभी गैप डाउन को नहीं चेक कर रहे हैं, हम केवल आपको बता रहे हैं कि कैसे हम एंट्री करेंगे गैप अप गैप डाउन का। इसके बाद दैट्स वाई मैं आपको यही बोल रहा था कि यहाँ पे हम एक चीज मेन पॉइंट्स क्या ध्यान में रखना है वो चीज की बात कर रहा था मैं। चलिए फ्रेंड्स, तो और भी दिखा लेते, जैसे मान लीजिए 30 तारीख का कैंडल है, राइट, ये 30 तारीख का कैंडल है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक कैंडल जो है, ठीक है, सबसे लो, तो ये देखिए, समझ में आ रहा है, मैं मार्क कर रहा हूँ, समझ गए होंगे, 9:40 की कैंडल ये है, तो इसके वीक को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। एक हायर आई पोजीशन इधर ऊपर मिला तो नहीं मिला ना, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन कर रहा है, राइट। क्रॉस ओवर कहाँ पे कर रहा है, तो देखिएगा क्रॉस ओवर कर रहा है इस एंगल पे, राइट, लेकिन हमको लोअर लो फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो हमारी पोजिशन यहाँ पे बन जाएगी लोअर लो फॉर्मेशन के साथ, राइट, है ना। यहाँ पे पोजीशन बनेगी 10,987, स्टॉप लॉस हो जाएगा ठीक इसके टच पे नहीं, इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, राइट, 10,987 से मार्केट आ गया आपका 10,980 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन हुआ है। और आप देखिए, जब तक मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बनती गई है तब तक वो डाउन ट्रेंड है, जैसे ही क्रॉस किया ये ऊपर की तरफ लेके गया, आप देख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे 80 पॉइंट्स का मोटा मोटी आपको मुनाफा हुआ। पीछे की अगर बात करें तो देखिए इस दौरान क्या होना चाहिए था, यहाँ पे भी ये, इसको आप गैप अप में यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, कारण क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, राइट, यहाँ पे मार्केट, हाँ, प्रीवियस क्लोजिंग से है लेकिन वो उस डे में समान अवस्था में हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको हम मार्क कर लेंगे। देखिए अगर इस दौरान जरा सा तुलना कीजिएगा यहाँ की गैपिंग और प्रीवियस जो एक और गैपिंग था, मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट जो गैपिंग, इस गैपिंग में दोनों में फर्क है, ये कितने का फर्क आ रहा है देखिएगा, 10,966 और मोटा मोटी अगर मान के चलिए 10,000 11,066, लगभग 100 पॉइंट्स का, राइट, 10,966 11,066। अच्छा यहाँ पे बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स का है, तो 11,088 से 11,065, 20-30 पॉइंट्स का, राइट, ये कवर को उतना हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, राइट, और एक 40 की कैंडल हमने ढूंढा, तो 40 की कैंडल ये निकला तो हमारा लोअर ये हो गया, राइट, और एक पोजिशन यहाँ पे, चूंकि यहाँ से रिजेक्शन था, इसके लोअर लो पे हमारी एंट्री होगी, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स 11,993 और यहाँ पे 11,954, यहाँ पे भी 40 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट मिला। लेकिन मैं ये कहूंगा आपसे, फिर से बोल रहा हूँ, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको टारगेट मिलते जाए, जैसे देखिए अभी किसी ना किसी शेयर में, निफ्टी फ्यूचर में, बैंक निफ्टी फ्यूचर में, जिसमें भी कह लो आप, फ्यूचर हो, इंट्राडे हो, नॉर्मल हो, शेयर, जिसमें भी हो, टारगेट तो डिसाइड होता है ना। आप मान लीजिए कि 500 रुपए का शेयर है अगर, तो उसमें क्या करेंगे, 25 रुपए का टारगेट रखेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, 5 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, इतने पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे आप जितना भी डिसाइड करके रखते हो कि भाई चलो मैं निफ्टी फ्यूचर में प्ले कर रहा हूँ, मुझे मिनिमम 10 रुपीज चाहिए, मैक्सिमम जो भी होगा 10 रुपीज के बाद मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा, तो वो चीज आप जो करते हो वो चीज ध्यान में रख के आगे बढ़ते चलो। आप उसमें ये नहीं कि भाई टारगेट मिल जाएगा देन मैं निकलूं, नहीं, आप टारगेट जैसे होता चले आप क्या करो कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो, जिससे क्या होगा सेफ्टी पर्पज के लिए, आपका क्या होगा कि अगर आके हिट भी करता है तो आप अपना जो भी फायदा है वो लेके निकलोगे, कुछ जाएगा नहीं, राइट। क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है इसको फील्ड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बोलते हैं दोस्त, कि इसमें क्या होता है कि लेवल को, एक लेवल, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री में अगर एक घोड़े को, गधे को, सांड को, किसी को बोल लीजिए,
ठीक है, कुछ भी अगर छोड़ दिया जाए और इस बाउंड्री में ही कोई चीज है जो ऐसे 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 मतलब बीच में ही घूम रहा है इधर उधर, डेफिनेटली आप एक चीज तो समझ गए होंगे, जिधर की बाउंड्री तोड़े वो उधर का भाग जाएगा, क्योंकि उसको तो आजादी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पे भी यही चीज हुआ, जैसे इसने ब्रेक किया, ठीक है, ये डायरेक्टली नीचे आया। फ्रेंड्स पीछे भी अगर ध्यान दे तो देखिए क्या करना चाहिए इस दौरान पे, यहां पे देखिएगा सेम चीज मैं दिखा रहा हूं आपको फ्रेंड्स, ये देखिए एक हाई हो जाएगा और 40 की कैंडल हो जाएगी, 40 की कैंडल कौन सी है, ये है, तो हम इसको मार्क लेंगे। लोअर लो फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगी फ्रेंड्स 11,117 माफ कीजिएगा 11,117 और यहाँ पे 11,085, देख लीजिए यहाँ पे क्या है 11,117 है राइट, और यहाँ पे हो जाएगा 11,085 लगभग, यहाँ पे कितने हो गए यहाँ पे कर लीजिए 11,117 - 11,085 तो टोटली 32 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे मुनाफा हुआ राइट, तो कम नहीं होता है 32 पॉइंट्स राइट। उसके बाद भी मार्केट नीचे गया, लेकिन हम तो सेफ्टी पर्पज के साथ ही करेंगे, दोबारा एंट्री करेंगे मंजूर है, लेकिन प्रॉफिट के साथ ही चलेंगे, मतलब 32 है तो 32 अपना मतलब सेव कर लेंगे। अब सपोज जब यहां से मार्केट रिजेक्शन किया तो वो एक वीवीएफ ने रिजेक्शन किया तो वो एक ये हो गया यार काश क्यों निकला मैं, लेकिन अगर सपोज अगर आप इस फेवर में सोच रहे तो थोड़ा सा उल्टा भी सोचिए कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट, डेफिनेटली स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा ना, चाहे जहां भी रख ले, यहां पे रखे तो भी हिट होगा, यहां पे रखो तो भी हिट होगा, अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है तो, बहुत बार ऐसा हुआ होगा बीच में कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो हम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जैसे मार्केट यहां पे है अब 11,117 से देखिए मार्केट यहां तक 11,096 तक, स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर लेंगे कम से कम 10 पॉइंट का, 117 से हम 107 कर लेंगे राइट, 107 कर लेंगे यहां पे, और आप देखो फिर उसके बाद भी कैंडल जो है नीचे बनती है, जैसे बना अगली कैंडल बनेगी, लो आप एकदम मतलब कमांड हाथ में रखिए, हाथों की स्पीड भी रखिए, डेफिनेटली आप कर पाओगे राइट। तो अब बात करें फ्रेंड्स कि गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है, देखिए नॉर्मल चीज में तो आपको पता है फेल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो क्या करना होता है मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे थोड़ा अंडू कर रहा हूँ, देखिएगा जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे किया, देखिए हमारा क्रॉस ओवर यहाँ पे हो रहा है राइट, क्रॉस ओवर यहाँ पे हो रहा है, आप चाहो तो जैसे ये आप चाहो तो एंट्री यहाँ भी हो सकती है, देखो क्रॉस ओवर हो रहा है ना यहाँ पे, जैसे ये क्रॉस ओवर हो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो 11,146 पहला 11,123 देन 11,187 क्रॉस ओवर पे, ध्यान रखिएगा क्रॉस ओवर पे, चूंकि कल की मार्केट क्या थी उसके प्रीवियस मार्केट क्या था एक रेंज में वो घूम रहा है, देखिएगा एक रेंज में क्या हो रहा है घूम रहा है वो, ठीक है दिन भर रेंज में ही घूमा, तो हम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं बात आप। चलिए तो ये चीज होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितनी जल्दी हो सके मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा राइट। लेकिन यहाँ पे आप एंट्री में केवल आपको बताने के मकसद से कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से मोमेंटम जो है डाउन ट्रेंड के लिए दे रहा है, कारण सिर्फ एक ये है कि देखिए पीछे जो है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस ठीक इसी लेवल पे रेजिस्टेंस आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगा, मैं पीछे कोशिश करता हूँ दिखाने की अगर इस लेवल तक मार्केट गया हो, देखिए आगे भी देख लीजिए इधर और इधर भी देखिएगा, तो इस लेवल पे ध्यान दीजिएगा एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, दैट्स व्हाई क्या है कि मार्केट यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड के लिए काम कर रहा है। तो हम इस चीज को ध्यान में रख के आप देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी राइट। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि गैप अप और गैप डाउन में क्या करना चाहिए, ठीक है तो एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर लूं जिसके बाद से मैं आपको एक अच्छे तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है। तो गैप डाउन और गैप अप में क्या करना चाहिए, देखिए इसमें मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा फील अप में है, दैट्स व्हाई मैं पीछे जाता हूं जो कि गैप डाउन था, ऐसा आगे भी है आप हर जगह ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये सिनेरियो क्रिएट हुआ राइट, ये सिनेरियो क्रिएट हुआ चूंकि मार्केट टिके, तो हम क्या करेंगे क्रॉस ओवर पे, ठीक है जो क्रॉस ओवर होगा इस पे ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वीवीएफ पे भी हम ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज डेट अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना लेवल ड्रॉ करूँ, लेवल तो आपको ड्रॉ करना ही होगा ध्यान रखिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर लिया 40 की कैंडल है तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है सपोज डेट यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद से क्या हुआ मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ इस लेवल पे, लेकिन चूंकि हमारा टारगेट पहले नजदीक है तो हम यहाँ पे एंट्री क्यों करेंगे भाई, यहाँ पे क्रॉस ओवर और यहाँ पे सोचिए 11,923 और यहाँ पे 913 10 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, ठीक है 10 पॉइंट्स का
टारगेट रखें, स्टॉप लॉस रखें 20 पॉइंट्स का, तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या कहेगा, है ना, हमें तो ये भी तो सोचना होगा। तो यहाँ पे हम सेफली प्ले करेंगे, और सेफली प्ले कैसे करेंगे, इस लेवल को एक अच्छे रेंज से ब्रेकआउट करें, ठीक है। तो हमारा ब्रेकआउट का सिस्टम अगर बात करें फ्रेंड्स, तो कहाँ पे होगा, तो हमारा ब्रेकआउट का सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा 900 पे, लेकिन स्टॉपलेस जो होगा वो इसके ऊपर, एक प्रॉपर जो रिजेक्शन होगा वो इसके ऊपर, अगर यहाँ पे रख रहे तो आप यहाँ पे नहीं रख सकते, ध्यान रखिएगा एकदम, चूंकि लाइन के नीचे ही है, राइट, तो यहाँ पे आप नहीं रख सकते, राइट, हमको रखना भी होगा तो हम इस लेवल के ऊपर ही रखेंगे जो प्रॉपर एक रिजेक्शन है। या कोशिश कीजिए आप कि और सेफ करना हो, अगर आपको अगर और सेफली प्ले करना हो तो आप क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पे आइए, राइट, यहां पे आने के बाद देखिएगा मार्केट ये गैप अप है, राइट, ये गैप अप है, मार्केट यहां से रिजेक्शन कर रहा है लोअर लो पे, ये रहा लोअर लो, ठीक है, यहां पे आप इस एंगल पे लोअर लो पे एंट्री करेंगे 924 पे, राइट। मार्केट गैप अप पे थोड़ा सा दिक्कतें होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला अभी, ठीक है, इसमें दिक्कतें हो जाती है, लेकिन अगर आप 924 पे कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल जो है 941 इसके ऊपर होगा, या फिर कोशिश कीजिए इसके, लेकिन यही है कि यहाँ पे एक लंबा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो मोटा मोटी एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि इसको अवॉइड भी आप कर सकते हैं गैप अप या गैप डाउन में, ठीक है, लेकिन अगर आप इस सिनेरियो में, क्योंकि देखिए आप इस लेवल में कोई भी चीज अगर आप करेंगे फिबोनाची या जो भी चीज आप करेंगे फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि वो बेहतरीन तरीके से काम करेगा, कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ ही देगा। मैं एक सेकंड पीछे देख लेता हूँ, यस, आपका कहीं ना कहीं साथ जो है, ठीक है, वो छोड़ ही देगा, राइट। हाँ, लेवल बेस्ड बात की जाए तो लेवल बेस्ड देखिए एक तरीका यही हो सकता है कि आप इस लेवल पे, यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन के साथ, क्या यहाँ पे नीचे आ रहा है, क्रॉस ओवर हो चुका है, लोअर लो फॉर्मेशन के साथ एंट्री कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो रखना ही होगा, एक प्रॉपर जहां से रिजेक्शन कर रहा है स्टॉप लॉस एक स्ट्रॉन्ग रखना होगा, और आपको टारगेट भी मोटा मोटी मिल जाएगा। हो सकता है स्टॉप लॉस हिट कर जाए, ठीक है, वेट कीजिए 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का, अगर आपको लगता है कि मैं छोटा रखूंगा तो हिट कर जाएगा, वेट कीजिए। जैसे ही नीचे आए, इसके प्रॉपर वे में एक नीचे आए, लेवल को ब्रेक ना करें, यहाँ पे एंट्री अगर करें 911 पे, तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे 877 और यहाँ पे एक आया वो आया 10,865। तो ऐसे चीजों को आप मार्क करके काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसे लगी स्ट्रेटजी जरूर बताइए। गैप अप गैप डाउन में थोड़ी सी इसमें दिक्कतें आएंगी, चूंकि प्रैक्टिस के ऊपर होगा, राइट। अगर बात की जाए एक एकदम लेवल पे, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, तो फिर हमें उस दौरान क्या करना होगा, अगर मैं अंडो करूं, उस दौरान हमें क्या करना होगा कि हमें जैसे ही वो क्रॉस ओवर करे, ठीक है, इस लेवल पे नहीं, क्योंकि एकदम लाइन के करीब है ये, ठीक है, आपको अगर करना है प्रॉपर रिजेक्शन यहां से, तो लेवल नीचे आप यहाँ पे कर सकते हो। ये चीज प्रैक्टिस के ऊपर ही हो सकता है। हाँ, अगर आपको एक लेवल तरीके से चाहिए, मतलब एकदम उसके नीचे लोअर लो बने, तो इसके नीचे लोअर लो की कोशिश कीजिए। तो लोअर लो देखिए कहाँ बना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बना 923, और 923 अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, इतनी दूरी पे हम नहीं कर सकते अभी आपसे, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ 923 922, ठीक है, स्टॉप लॉस जो रखिए वो इसके या वीवीएफ के ऊपर रखिए, ठीक है, या इसके ऊपर रख लीजिए, वीवीएफ के ऊपर तो आ ही जाएगा 934 का, लगभग 10-12 पॉइंट्स का, और यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन में आप अपनी स्ट्रेटजी जो लगाते हैं वो कर सकते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मल जो चीजें होती है, गैप अप गैप डाउन में तो आपको भी पता है कि बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो रेंज होता है उस रेंज के बाहर वो ओपन या क्लोज होता है, ओपन होता है, राइट। तो जब ओपन होता है तो सारा का सारा स्ट्रेटजी धारा का धारा रह जाता है, और डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि गैप अप गैप डाउन में आप थोड़ा सा सचेत होके खेलिएगा, प्ले कीजिएगा, अदरवाइज नॉर्मल में आप जैसा हम प्ले करते हैं क्रॉस ओवर वो चीज कीजिएगा, और अपना 940 तक, 915 से 940 तक के बीच का जो एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है डिमांड और सप्लाई, उसको मार्क कीजिए और आगे का कार्यक्रम निर्धारित कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज का निफ्टी फ्यूचर की स्ट्रेटजी, कैसी लगी जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इस पे लाइक शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।